डॉक्टर अरुणा बोली, मैं रूड हूँ, टॉक्सिक नहीं। सीएमसी की पूर्व एचओडी ने कहा, वर्कलोड मैनेज नहीं कर पाई डॉक्टर बाला, अब राजनीति हो रही है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की पूर्व एचओडी डॉक्टर अरुणा कुमार को नियुक्ति के बाद 24 घंटे के भीतर हटाए जाने का मामला सुर्खियों में है। 4 जनवरी को उनकी गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में वापसी हुई है। इसका विरोध करते हुए जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल गए थे। 5 जनवरी को उनके नियुक्ति के आदेश निरस्त करते हुए उन्हें एक बार फिर डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दफ्तर में अटैच कर दिया गया। डॉक्टर अरुणा कुमार को पद से हटाने के लिए जीएमसी के जूनियर डॉक्टर इससे पहले भी 2 बार हड़ताल पर जा चुकी है। हटाए जाने के बाद डॉक्टर अरुणा कुमार ने पहली बार दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। डॉक्टर अरुणा ने खुद पर लगे आरोप पर खुलकर जवाब दिए। कहा, जूनियर डॉक्टर बाला सरस्वती के सुसाइड केस में मुझ पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं थी। जांच रिपोर्ट में मैं भी इसकी पुष्टि कर चुकी हूँ। जांच रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हो चुकी है। इसी रिपोर्ट के आधार पर मैंने आवेदन किया था। हालांकि डॉक्टर अरुणा ने यह भी स्वीकार किया है कि वे व्यवहार से रूड है, लेकिन टॉक्सिक होने का आरोप सही नहीं है। एक्स, ये गलत बात है। उन्हें बिल्कुल भी मेंटली टॉर्चर नहीं किया जा रहा था। डॉक्टर बाला सरस्वती महिला रोग एवं प्रसूति विभाग की 3rd ईयर की पीजी स्टूडेंट थी। हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट पीजी के लिए एडमिशन लेता है उसे 3 साल विभाग में ही रहना पड़ता है। 3 साल के दौरान मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर 1 साल में 15 दिन की ही छुट्टियां मिलती हैं। डॉक्टर बाला अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के चलते विभाग में बिना सूचना दिए 6 महीने के लिए छुट्टी पर चली गई थी। इसके कारण उनका 1 सेमेस्टर ब्रेक हो गया था। इसका यह असर हुआ कि उनकी थीसिस सही समय पर जमा नहीं हो पाई, इसलिए मानसिक तौर पर वे शायद प्रेशर में आ गई होंगी। डॉक्टर अरुणा हमारे यहाँ हर साल 25 स्टूडेंट्स पीजी करने आते हैं। बाल सरस्वती भी उतना ही काम करती थी जितना दूसरे स्टूडेंट करते हैं। उनसे मैंने कभी ओवर टाइम नहीं कराया, ना ही इसके लिए किसी भी फैकल्टी को मोटिवेट किया। रही बात कामचोर कहने की, तो मैं क्या, कोई भी प्राध्यापक उसके लिए ऐसा नहीं कह सकता। उन 7 महीनों की छुट्टियों को छोड़ दे तो उन्होंने हर वक्त अपना काम ईमानदारी से किया है। जब तक वो हॉस्टल में थी बिल्कुल ठीक थी। पति के साथ शिफ्ट होने के बाद उन्हें वर्कलोड मैनेज करने में समस्या आ रही थी। सवाल, जूनियर्स डॉक्टर आपके बर्ताव को रूड और टॉक्सिक क्यों बताते हैं? गायनिक बहुत संवेदनशील डिपार्टमेंट है। विभाग में जो पेशेंट आते हैं उन्हें हमसे बहुत उम्मीद होती है। डॉक्टर होने के नाते हम बिल्कुल भी असावधानी नहीं बरत सकते। इलाज के अलावा विभाग में रिसर्च के काम भी होते हैं। शासन की अपेक्षा होती है कि हम सब काम सही तरीके से करें। काम के लोड के अनुपात में हमारे पास लोग बहुत कम है, इसलिए काम का ओवरलोड हो जाता है, यह हम भी फील करते हैं। सवाल, डॉक्टर बाला से छुट्टी न लेने के लिए शपथ पत्र क्यों लिखवाया गया? डॉक्टर अरुणा, जब कभी भी कोई विद्यार्थी बिना बताए लंबी छुट्टी लेता है तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बाला 7 महीने तक विभाग में नहीं थी। छुट्टी से वापसी के बाद मैं खुद उनका रिजाइनिंग लेटर लेकर डीन के पास गई थी। नियमानुसार वो कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट पर डीन एक मौका देने को तैयार हो गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।